Hello, dear aspirants. So I hope you all are here to have information about your guide, about your mentor. Actually, such a video I am shooting the like first time in my this career where I have to introduce myself. The second aspect, that is okay. That is I am comfortable. That what strategy to be needed for this mathematics optional, that is okay. But अपने बारे में कुछ बताना और फिर ये बताना कि मैं ऐसा हूँ इसलिए आप ये बैच में आके गाइडेंस ले लो, ऐसा थोड़ा सा मतलब मैं कभी इस आदत में रहा नहीं, फिर भी आज मैं कोशिश करूँगा, ठीक है. पर ऑनेस्टली स्पीकिंग डायरेक्टली ये बताने में कि हाँ आई एम दिस आई एम दैट वो मेरे को बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बताना. या व्हाट आई कैन ट्राई इज वी विल डिस्कस अबाउट सम थिंग्स विच यू नीड फ्रॉम माई शेड ओवर दीज 20-25 मिनट्स. यू गेट एनलाइटन्ड, यू गेट बेनिफिटेड फॉर योर ऑप्शनल दैट इज मैथमेटिक्स. अपने बारे में बहुत कुछ बखान करना एकदम से संभव नहीं है, ठीक है. हाँ, मैं ये कोशिश करूँगा कि इस 20-25 मिनट में आपको मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए मेरी तरफ से कुछ वर्ड्स ऐसे मिल जाएं जो आपको थोड़ी हेल्प कर पाए, आपको सही रास्ता बता पाए, ठीक है. तो बट द फैक्ट इज दिस सेशन ऑफ 20-25 मिनट्स इज ऑल अबाउट व्हाट वी आर गोना डू इन दिस बैच व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18th ऑफ जुलाई, ठीक. सो इन द लेटर पार्ट यू विल कम टू नो अबाउट फीस एंड ऑल. But before that, I would like to introduce myself a bit that when I will be teaching you, I will be more like an UPSC aspirant in spite of being into teaching career over the last decade. आपसे मैं मतलब जब इस बैच में मिलूंगा तो आपको एक सही रास्ता दिखा पाऊं. क्योंकि जब आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल की बात करते हैं दोस्त, तो यकीन मानिए यू नीड ऑल टुगेदर अ डिफरेंट प्लान एज कंपेयर टू प्रिपेयरिंग विद यूपीएससी विद ऑप्शनल्स फ्रॉम ह्यूमैनिटीज. एक चीज गांठ बांध लीजिए कि अगर आप साइंसेस के ऑप्शनल्स रख रहे हैं तो आपकी तैयारी की जो रणनीति है वो ह्यूमैनिटीज वाले ऑप्शनल से एकदम से अलग होती है. ये आप गांठ बांध लीजिए. इस टॉपर ने क्या बोला, उसने क्या बोला, मैं ह्यूमैनिटीज वाले जीएस स्कोर उसका अच्छा तो मैं जीएस की स्ट्रेटजी उससे ले लूं, मैथ्स ऑप्शनल वाले में मैथ्स वाले का ये अच्छा है तो मैं इसकी स्ट्रेटजी कर लूं, सो दैट आई विल बिकम द किंग और आई विल बिकम द एआईआर वन, लाइक फीलिंग ओनली. दैट कैन बी अ ट्रेजेडी फॉर यू. ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आप मैथ्स ऑप्शनल के साथ तैयारी करते हैं तो आज के सेशन में जो मैंने आपसे कहा कि कुछ ना कुछ ढंग की बात जरूर हो जाएगी इन छोटे से मतलब आधा घंटे में, बात यह है कि अगर आप मुझसे कहें कि चूंकि आफ्टर द आईआईटी दिल्ली लाइक 2013 आई स्टार्टेड माई टीचिंग करियर, ठीक, तो टीचिंग में अच्छा किया, आई वॉज ट्रेनिंग फॉर दिस हायर मैथमेटिक्स, तो उस ट्रेनिंग के दौरान मैं मतलब सीखता रहा चीज़ों को, तो नो डाउट मैथ्स की जो मेरी अपनी फीलिंग्स थी, मतलब जो रिक्वायरमेंट है मैथमेटिक्स ऑप्शनल की, वो मेरे को पता है. मतलब आई कैन डू बेटर इन टीचिंग दोज सब्जेक्ट्स, दोज टॉपिक्स. लाइक इफ यू टॉक अबाउट कि सर अलजेब्रा और एनालिसिस में हमें दिक्कत होती है बीइंग फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो आई कैन बी अ को गाइड, आई कैन बी अ गाइड फॉर यू इन दैट पाथ कि आप इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को कैसे तैयार करें. और द मैकेनिक्स पार्ट यू मे फील कि यार इनको कैसे तैयार करना है, जिससे सुनो मैक्सिमम लोगों ने यही कहा है कि भाई मतलब इससे बुखार आ जाता है करके, तो क्या सही रणनीति होनी चाहिए उसके लिए. यकीन मानिए मैं फ्लूइड डायनामिक्स बहुत अच्छा जानकार हूं,
अगर मेरे को यूपीएससी एग्जाम की जो डिमांड है अगर मैं उससे गो थ्रू नहीं हुआ हूं या अगर मैंने उसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया है तो भाई साहब मैं आपको फ्लूइड डायनामिक्स नहीं पढ़ा सकता। ये फीलिंग मुझे तब आई जब मैं अपना मेंस मैथमेटिक्स ऑप्शनल के साथ दे रहा था। यकीन मानिए फर्स्ट मेंस के दौरान मतलब आई वॉज सो ओवर कॉन्फिडेंट कि आज मुझे उन दिनों को याद करके बहुत हंसी आती है कि यार पीडी ये तो कर देंगे, एलपीपी यार क्या ही मजाक है, ये तो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें, ये तो बस ऐसे अच्छा चारपिट मेथड ऐसे वर्क करता है, ओके 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 हो जाएगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस तो हमने कर रखा था फर्स्ट सेमेस्टर में यार, ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करना किस पे काम है यार, एनालिसिस और अलजेब्रा पे काम करना है, चलो ठीक है। मतलब इस टाइप की फीलिंग्स यू मे कैरी, फ्लूइड वाला टर्म या रिजिड वाला या स्टैट्स वाला, स्टैटिक्स वाला, स्टैटिस्टिक्स तो है नहीं अपने में, स्टैटिक्स है, इनको लेकर ये कि यार ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है बाद में कर लेंगे, छोटे मतलब आराम से कर लिया जाएगा, इनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखना है क्योंकि किसी भी टॉपर ने रिकमेंड नहीं किया है। इस टाइप की ये जो फीलिंग थी फर्स्ट मेंस से पहले एग्जाम हॉल में जो खुद पे गुस्सा आ रहा था कि भाई साहब मतलब आप यकीन मानिए सिंपल रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम न्यूमेरिकल एनालिसिस में प्रॉब्लम हो रही है, क्यों? क्योंकि उस टाइप की प्रैक्टिस ही नहीं करी कभी। तो क्या करना चाहिए, मतलब व्हाट शुड बी द वे टू एग्जीक्यूट द थिंग्स? सबसे पहला पॉइंट जो आपको मैंने जो रियलाइज किया उस पहले वाले अपने अटेम्प्ट में कि भाई साहब यू जस्ट बिहेव लाइक या ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, मे बी यू आर बीएससी और मे बी यू आर बीटेक। अब आप कहेंगे कि सर इससे आपका क्या मतलब है और आप इस बैच में ऐसा क्या करने वाले हैं कि हमें इससे फायदा होने वाला है? तो फायदा होगा या नहीं ये तो आपको वक्त बताएगा, बाकी मेरे जो अनुभव हैं पिछले बैचेस के जो स्टूडेंट्स हैं इफ यू टॉक टू देम दिल श्योरली टेल यू कि यार मतलब स्टार्टिंग में तो लगा था कि मास्टर बहुत स्लो है, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि मास्टर को पता है व्हाट इज द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम एंड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो व्हेन आई से कि यार अपने को बीएससी स्टूडेंट की तरह ट्रीट करना है या फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट की तरह, द सिंपल थिंग इज भाई साहब वहां पर हम एक रफ कॉपी लेते थे, सवाल लगाकर देखते थे, एक ही मेथड के 10 10 12 12 सवाल लगाकर देखते थे, तब संतुष्टि होती थी। वही चीज आपको यहां रिफ्लेक्ट करनी है। तो जो पहला ब्लंडर मैंने किया था तो मतलब बीइंग सो ओवर कॉन्फिडेंट कि यार अपने तो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं कर देंगे करके, पर एग्जाम हॉल में वो सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, मतलब क्योंकि बहुत ही टाइम बाउंड मैनर में चीजें रहती है। तो पहला पॉइंट तो यह है कि जब भी हम इस ऑप्शनल को पढ़ेंगे या मैं पढ़ाऊंगा आपको, सो आई विल बी जस्ट फॉलोइंग व्हाट इज द पेरिफेरल, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द एग्जाम। आई विल नॉट बी ट्रीटिंग माई सेल्फ दैट आई एम बॉन्ड ऑफ मैथमेटिक्स, आई हैव डन दिस इन दिस दिस इन दैट एनालिसिस और अलजेब्रा, आई हैव टॉट फॉर टीआईएफआर एस्पिरेंट्स लाइक दैट। आउट ऑफ ऑल दोज फीलिंग्स आई विल बी जस्ट ट्रीटिंग माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट विथ यू एंड वी विल बी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एडिक्वेटली। दूसरी चीज आगे बढ़ते हैं इसी पर। कई बार क्या होता है, हम जब किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो हमें उसका सही तरीका एक सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू अपनाना चाहिए। एंड व्हाट डज दैट मीन, प्यारे दोस्तों आप मान लो कोई भी टॉपिक तैयार कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, ठीक, आपने
सीधी सी बात है, सबसे पहला काम होता है कॉन्सेप्ट्स डेवलपमेंट। अब आप क्या कीजिए, आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके सब्जेक्टिव एग्जाम्पल्स आप ट्राई कीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम। ठीक, अब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पर जाइए। ठीक, अब आप प्रॉपर PYQs एनालिसिस पर जाइए। ठीक, अब होता क्या है, PYQs आपने देख लिए, आपने देखा कि हाँ सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना तो हमने BSc में भी सीखा था या BTech में भी सीखा था, कर लेंगे करके, या डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस यार JE टाइम पे बहुत किया था, इसको तो फोड़ देंगे करके। दोस्त, यू नीड अ राइट गाइड हियर, यू नीड अ राइट मेंटर टू टेल यू कि सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करें लेट से फ्लूइड डायनामिक्स की ही बात कर लें, आपको सबसे टफ वही लग रहा होगा, तो फ्लूइड डायनामिक्स में भी अगर आप बात करें तो भाई साहब आपके पास 6 हेडिंग्स हैं, 6 चैप्टर्स हैं। वही आप MD राय सिंघानिया की फ्लूइड की बुक देखेंगे, यू विल फील लाइक कि यार इतने में तो 4 ऑप्शनल कवर हो जाएंगे। बट व्हेन आई से कि भाई साहब पहला पार्ट पढ़ना है काइनेमेटिक्स, 3 टाइप के सवाल है, दूसरा चैप्टर पढ़ना है मोशन इन 2D, 4 टाइप के सवाल है, ये 4 फॉर्मूले हैं, ऐसे ऐसे बनेंगे सोर्सेस एंड सिंक्स के साथ। तीसरा चैप्टर पढ़ना है आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, 2 टाइप की मोशन है, स्फेरिकल और सिलेंडर, मतलब 2 टाइप के सवाल है यहां पर। चौथा चैप्टर पढ़ना है एक्सिसिमेट्रिक मोशन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल 2 मोशन से यहां पर पढ़ने हैं आपको। फिफ्थ चैप्टर है वोर्टेक्स मोशन, वोर्टेक्स मोशन में ये 2 टाइप के सवाल है जो कि मोशन इन 2D के ही सिमेट्रिक नेचर में रहते हैं। सर, छठवां चैप्टर पढ़ना है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में ये इक्वेशंस हैं जो आपको याद रखनी है, इन्हीं के बेस पर सवाल आएगा। और ये चैप्टर रिलेटेड है ऑयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह दिखता है, बस यहां पर बॉडी फोर्सेस एक्स्ट्रा में आपको दिखाई देने लगते हैं। नेवियर स्टोक्स मतलब विस्कोसिटी विल कम इनटू पिक्चर, विस्कस जैसे ही फ्लूड आएगा, तो पहले 5 चैप्टर्स नॉन विस्कस फ्लूड के लिए होते हैं, लास्ट चैप्टर विस्कस फ्लूड के लिए है। थिंग इज, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन पिछली बार 2023 में काफी दिनों बाद पूछा है, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं पूछता है, अगर आप चाहें तो इसको इस साल स्किप कर सकते हैं। बाकी 5 चैप्टर्स में काइनेमेटिक्स और मोशन इन 2D मत छोड़िए, क्योंकि यहां से सवाल डेफिनेटली रहेगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? इन द सेम मैनर आई कैन टॉक विथ यू इफ यू विश टू हैव मॉडर्न अलजेब्रा और एनालिसिस, लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट एनालिसिस, सो यू मस्ट डिफरेंशिएट कैलकुलस एंड एनालिसिस, और यू मस्ट लर्न, यू मस्ट हैव अ फीलिंग कि एनालिसिस इज इवॉल्व्ड ओवर कैलकुलस। सो व्हेन यू आर स्टडिंग द कैलकुलस पार्ट, यू शुड नॉट इग्नोर कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन इसमें नहीं, रियल एनालिसिस में आएगा, पेपर 2 में आएगा, यू शुड नॉट प्रिपेयर लाइक दैट। यू मस्ट हैव अ राइट गाइड, और आप वो खुद भी हो सकते हैं अपने लिए। आप जब कैलकुलस कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पर भी काम करते चलना चाहिए, सो दैट व्हेन यू डू द होल विद द फंक्शंस, बी इट 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, देन रियल एनालिसिस के केस में यू हैव जस्ट 3 चैप्टर्स, 1 इज रियल नंबर सिस्टम, सम थ्योरम्स, सम बेसिक्स, अदर इज सीक्वेंसेस एंड सीरीज, सीक्वेंसेस एंड सीरीज के अंदर ही यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, एंड द नेक्स्ट इज द रीमैन इंटेग्रेशन, एंड थिंग्स आर डन। सो थिंग इज कि अपने दिमाग में ये जो क्लियर कट माइंडसेट रहता है अपना, ये जो राइट माइंडसेट है, आपको ये चाहिए। आप ये सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इफ यू फील लाइक कि नहीं, मेरे पास मतलब ऑप्शन नहीं है परचेज करने का, मैं सेल्फ स्टडी से जाना चाहता हूं, तो आप क्या कीजिए, ओवर द सेम यूट्यूब चैनल देयर इज अ मैथमेटिक्स ऑप्शनल प्लेलिस्ट, यू विल गेट एन नंबर ऑफ वीडियोज गिवन बाई मी इट्सेल्फ। ठीक है, आप उनको अटेंड कीजिए, यू विल कम टू रियलाइज कि सही तरीका पढ़ने का क्या होना चाहिए। नाउ यू डिसाइड कि वेदर यू नीड अ गाइड और नॉट। अगेन आई एम सेइंग दोस्त, फीलिंग्स में आकर ऐसे इग्नोर कर देना कि नहीं मेरे को, मैं खुद से कर लूंगा, तो आप अपने जिंदगी के एक साल को कुछ अल्फा अमाउंट के ऊपर डिसाइड करके आपको नहीं करना चाहिए। ये मेरी अपनी फीलिंग्स है, क्योंकि हो सकता है आप सही सिचुएशन में ना हो फाइनेंशियली, स्टिल आई विल से
कि दोस्त यू मस्ट हैव द लॉजिकल रीजनिंग बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन. सो हियर आई हैव टेकन जस्ट टू एग्जाम्पल्स ऑफ एनालिसिस एंड फ्लूइड डायनामिक्स. द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आई कैन ऑल्सो टॉक लाइक दिस, बट देन दिस सेशन विल बी एक्सटेंडेड टू 3 आवर्स, विच आई डोंट वॉन्ट. ठीक है. सो थिंग इज, पहली चीज आपका जो राइट गाइड है वो, मतलब मैं अगर प्रॉपर मैथमेटिशियन की तरह बिहेव करूं, आई विल नॉट बी अ राइट गाइड फॉर यू. आई मस्ट हैव अ पुट ऑफ अ मैथमेटिक्स टीचर एंड एज वेल एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट. यूपीएससी एस्पिरेंट मैं बार बार क्यों बोलता हूं, और जैसा कि स्टार्टिंग में कहा गया था कि अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर देना, तो मैं आपको यह कहूं दोस्त कि चाहे प्रिलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे पर्सनालिटी टेस्ट हो, ये मैथ्स ऑप्शनल वाले बंदे, ये साइंसेस ऑप्शनल वाले बंदे, इनका माइंडसेट जो होता है ना, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट चाहिए होता है वहां पर. लेट्स से अगर मैं मेंस के बाद की बात करूं, तो दोस्त मतलब मैं ह्यूमैनिटीज वाले दोस्त थे, मैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल का था, तो मेंस मतलब जब देखे होते हैं और फिर जब इंटरव्यू तक की जो यात्रा होती है उसके बीच में ना बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा. क्योंकि ह्यूमैनिटीज वाले एन नंबर ऑफ नॉवेल्स में लगे रहेंगे, उनको लगता है कि यार नहीं नहीं ज्यादा पढ़ लेना, ज्यादा दार्शनिक हो जाना, शायद अच्छा इंटरव्यू हो जाएगा. बट अपन क्या है ना यार, देखो बोर्ड में बहुत कम चांस है, 0.0001% चांस है कि कोई मैथमेटिशियन आपके बोर्ड में होगा पर्सनालिटी टेस्ट में. अगर होगा भी तो भी उन 25 से 30 मिनट में अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो 25-30 मिनट सर्वाइव करेंगे. उन 25 से 30 मिनट में इट इज वेरी रेयर कोई आपसे आपके सब्जेक्ट पर बात करने जाएगा. ठीक, कोई ऐसा नहीं होगा, मतलब ये बहुत ही रेयर है. हां, क्या होता है जब आप पर्सनालिटी टेस्ट में होते हैं तो वहां पर मतलब जनरल फील्ड्स के लोग होते हैं, एंड लेट्स से इफ समथिंग हैपनिंग वेरी डीप एंड दैट इज बेस्ड ऑन सम मैथमेटिक्स, ठीक है, देन यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव दैट इंफॉर्मेशन सो दैट यू कैन एनलाइटन द बोर्ड मेंबर्स कि अच्छा मैथमेटिक्स में ये काम चल रहा है और ये डेली लाइफ या डेली पब्लिक में या डेली न्यूज में इसलिए ऐसा कुछ है. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर साइंस एंड टेक करेंट अफेयर्स, नॉट मोर देन दैट, आई फील सो. बाकी कोई वहां आपसे सवाल लगा के पूछेगा, आप फॉर्मूला भूल जाएंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, भाई साहब इट इज लिटरली नो, इट इज नॉट सो. क्योंकि ये जो कहानी है ये ऑलरेडी मेंस में चेक हो चुकी है, दो दो पेपर्स हो चुके हैं, अब आप कॉन्फिडेंट रहिए. ठीक है, तो जो आपके इंटरेस्ट के नॉवेल्स हैं बिफोर लाइक आफ्टर मेंस एंड बिफोर इंटरव्यू, यू कैन गो फॉर दैट. बेसिकली इट इज पर्सनैलिटी टेस्ट. तो अब वेन यू आर प्रिपेयरिंग विद दिस मैथमेटिक्स ऑप्शनल, तो वॉट आई लर्न इज कि एक जो फेज होता है वो प्रिलिम्स से मेंस के बीच का है. ठीक है, एक बिफोर प्रिलिम्स. ठीक, अब प्रिलिम्स से ये जो जनवरी से लेट्स से जून में आपका प्रिलिम्स होना है, या लेट्स से मई में होना है, लेट्स से अप्रैल में होना है, सो व्हाट आई से 2-3 मंथ्स प्रायर टू प्रिलिम्स होता क्या है, आपको एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है. दोस्त यकीन मानिए, अगर आपका बैच या आपका कोर्स इस चीज के साथ में अलाइन नहीं हुआ, यू विल फेस द ट्रबल. Why so? Because when you are going to write the prelims, उससे 2-3 महीने पहले, no matter how good you are in your option, this GS part, you feel the insecurity. तो उन 2-3 महीने पहले कैसे मैथ्स ऑप्शनल को, क्योंकि अगर आपने 2 महीने मैथ से अनटच हो गए, भाई साहब कहानी खत्म. क्योंकि prelims और mains के बीच में बहुत certain gap है, उस gap में ये कहानी अगर खत्म वाले के साथ आपने carry किया तो यू आर आउट ऑफ द रेस. सो योर गाइड और योर द प्रिपरेशन जर्नी मस्ट बी इंक्लूडिंग दिस कंस्ट्रेंट
ये कंडीशन आपको पहले से पता होनी चाहिए कि लेट से इफ आई एम स्टार्टिंग माई क्लासेस ओवर द 18th of July, सो वॉट शुड बी माई टारगेट अप टू द जनवरी. जनवरी के इफ आई एम टेकिंग 2.5 आवर्स, ढाई घंटे का लेक्चर ले रहा हूं, तो हो सकता है जनवरी से फरवरी के बीच में मैं उसको 2 घंटे कर दूं, फरवरी से अप्रैल के बीच में उसको 1.5 घंटे का लेक्चर रखूं. सो इफ यू आर फीलिंग लाइक दिस इरिस्पेक्टिव ऑफ फिनिशिंग द सिलेबस, बिलीव मी यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर विद द राइट माइंडसेट. अब आते हैं बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग विद द मैथमेटिक्स ऑप्शनल और द केमिस्ट्री और फिजिक्स ऑप्शनल, व्हाट हैपेंस इफ यू आर नॉट पुटिंग योर 60% एफर्ट्स ऑफ द डे टू द मैथ्स ऑप्शनल, यू आर गोना लूज समथिंग. रिपीटिंग, आपको 60% टाइम, 70% टाइम दिन का ऑप्शनल पे लगाना ही पड़ेगा. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे. अब जो बाकी बचा टाइम जिसमें आपने जीएस और एसए के साथ में काम करना है, सो व्हाट शुड बी माय वे टू प्रिपेयर दीज थिंग्स. अब फिर से वही आ जाती है राइट गाइड वाली. तो मैं क्या है, मतलब मैं ऐसा, मेरे को घमंड नहीं है, मैं बिल्कुल भी हिस्ट्री नहीं जानता हूं, मैं ऐसा मान के चलता हूं, बट आई कैन टेल यू व्हाट इज द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर दिस हिस्ट्री पार्ट, फॉर दिस पॉलिटी पार्ट, फॉर दिस करेंट अफेयर्स पार्ट. आई हैव माई ओन फीलिंग्स ओवर दिस जर्नी, ओवर द स्टेजेस ऑफ दिस यूपीएससी एग्जाम. फेयर? So I can share with you with time to time when I am teaching the mathematics optional, because I feel if you have taken some batch GS and optional, so your GS teacher may not have the exposure to the maths optional. He or she may have different tactics. He or she will be sharing the best tactics for you, but that may not be best for you. So I am the person here. Time to time, beech mein hum sessions rakhte hain. Like weekends पे या ऐसे करके हम इंट्रैक्शन सेशंस वी कंडक्ट, एंड इन दैट वी टॉक इन जनरल, वी टॉक ओवर जीएस एज वेल, वी टॉक ओवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एज वेल, वी टॉक ओवर एसेज एज वेल. क्लासेस नहीं लेता हूं, बट हाँ आपको एक मैं रास्ता बता सकता हूं. एज आई हैव माई ओन फीलिंग्स, इवन दो आई हैड रिटन माई जीएस एंड एसे इन हिंदी मीडियम, स्टिल आई गॉट वन ऑफ हाइएस्ट मार्क्स मल्टीपल टाइम्स, सो इन द मेन सीएसई. So I have my own experiences over that, how to express myself, how to put logically your arguments. So all those things I can share with you, and how to cop up with the GS with mathematics optional between prelims and mains, I can tell you the tactics for that as well. And with the time I'll be sharing in your batch as well. So ab iske baad kya hoga? दो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो गैप है उसमें आपको मेंस के भी टेस्ट सीरीज लगाने हैं, जीएस एंड एसए के और ऑप्शनल के भी. तो आपको अपने माइंडसेट को, अपनी तैयारी को उस रास्ते पर उस तरीके से ले जाना पड़ेगा. अब बात आती है पर्सनालिटी की और इंटरव्यू की. सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग विथ मी और इट्स योर चॉइस और योर गाइड, बट मैं उतना ही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, वेरी गुड, नॉट एन इश्यू एट ऑल, लेकिन वहां पे टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है. तो बजाय, चूंकि हम इस प्लेटफॉर्म पर अगर देखें तो इनिशियली आई हैड एन एक्सपोजर टू गो विथ एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, बट व्हाट आई फाउंड इज कि यार, मतलब कई बार हम मैथमेटिक्स ऑप्शनल चूज कर लेते हैं केवल ये समझने के लिए कि चूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे. तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने में जैसे कैलकुलस वाला पार्ट चल रहा है, वहां पे यू मे फील कि यार ये तो ठीक है, ये तो अपने से हो गया, पर जैसे ही मैंने मॉडर्न अलजेब्रा स्टार्ट किया, यू स्टार्ट फीलिंग द डिप्रेशन. एंड इफ यू हैव इन्वेस्टेड योर 60,000 मनी, देन इट्स वेरी टफ डिसीजन टू चेंज योर ऑप्शनल विद इन द 2 months ऑफ प्रिपरेशन. हियर आई एम नॉट बींग निगेटिव, आई एम बींग वेरी मच पॉजिटिव, क्योंकि लास्ट ईयर के एक्सपीरियंसेस भी अगर मैं देखूं जस्ट रिसेंट बैचेस के, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे मैं एनकाउंटर हुआ, क्योंकि फीस यहां लो होती है, काफी कम होती है. इट इज जस्ट, आई डोंट नो व्हाट इज, इट इज लाइक दिस, ठीक है ना. सो इफ यू आर हैविंग द कोर्स एट जस्ट दिस लेस अमाउंट, सो होता क्या ना, कई लोग मतलब
ओवर कॉन्फिडेंस में या जस्ट फॉर ट्रायल सेक ले लेते हैं, ठीक है, पर एक दो महीने बाद उनको रियलाइज हो रहा था कि होता है कि यार ये तो अपने से नहीं हो पाएगा, बस जेई की फीलिंग्स के टाइम पे या उस बेस पे मैंने ले लिया, नाउ दे वॉन्ट टू स्विच। अब यूपीएससी की तैयारी में अगर आप 50,000 रुपए वेस्ट कर रहे हैं तो भाई साहब डिप्रेशन का पहली सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं, नो मैटर आपके पेरेंट्स कितने वेल ऑफ हैं। सो थिंग इज व्हाट आई कैन से हियर इज कि आपने करना क्या है कि अगर आप मैथ्स ऑप्शनल के बारे में ऐसे सोच रहे हैं, यू आर जस्ट फैसिनेटिंग अबाउट, स्टिल दिस बैच कैन बी एन ऑप्शन फॉर यू। इन दैट आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक योर पाथ एज राइट एज पॉसिबल। सो यू विल बी कमिंग टू नो कि यार आफ्टर मेंस, जैसे मैं पर्सनैलिटी के लिए जब मैं जा रहा हूं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह भी होता है कि इंटरव्यू की तैयारी मेंस के बाद करेंगे, वो तो हो ही जाएगा। बट बिलीव मी व्हाट आई फेल्ट ड्यूरिंग माई जर्नी इज कि भाई साहब ये आपको डे वन से आपके साथ चलती है। When you start thinking, when you start putting your arguments logically, basically you are trying to develop your personality. When you are reading the newspaper, you are listening someone, basically you know, you try to know कि यार वो अपने facts and figures को कैसे रख रहे हैं। आप देखिए ना, कुछ speakers को अगर हम 5 मिनट के लिए भी सुन लें तो हमें ऐसा लगता है कि यार बंदा कितना ही correct है, कितना ही logical है, और किसी किसी को 5 घंटे भी सुन ले तो बाद में पता चलता है यार कहना क्या चाह रहा है। सो थिंग इज वी मस्ट बी वेरी मच लॉजिकल, एंड व्हेन आई से इफ यू आर प्रिपेयरिंग द यूपीएससी विद साइंसेस ऑप्शनल देन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इज, एंड यू हैव द एबिलिटी, यू हैव दैट एट्रीब्यूट इन यू कि यू आर विद द लॉजिकल माइंड सेट, यू नो हाउ टू परफॉर्म एंड वॉट टू चूज। सो हियर इन दिस बैच आई होप मैंने मतलब अपने बारे में कुछ ना बता के फिर भी काफी कुछ आपको एक आइडिया लग गया होगा। और रही बात इस चीज की कि मैथ्स में कैसा पढ़ाता हूं, तो मैंने पहले ही सजेस्ट किया ओवर द यूट्यूब इटसेल्फ यू कैन फाइंड दिस पर्सन। इधर मेरा नाम लिखा है क्या? सो दिस इज उपेंद्र सिंह, सो यू कैन कैच मी एनी वेयर ओवर द कोरा और द यूट्यूब इटसेल्फ। इसी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर में यूट्यूब में जो प्लेलिस्ट है मैथमेटिक्स ऑप्शनल का, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये बंदा बस बात कर रहा है या पढ़ा भी पाता है, तो यू कैन गो थ्रू दैट। यू कैन टॉक टू डिफरेंट एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिकॉज आई एम वेरी ओपन टू स्टूडेंट्स, सो यू कैन हैव दैट आइडिया कि यार मतलब वेदर यू आर गोना गेट द राइट गाइड और नॉट। सो आई होप आई हैव इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ। मैंने पहले भी बोला था कि इस टाइप का पहली बार मैं कोई वीडियो या कोई क्लास या कुछ ऐसा कर रहा हूं जहां मुझे ये बताना हो कि ये बैच ज्वाइन करो ज्वाइन करो या ना करो, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता। मतलब आपको डिसाइड करना है कि इनिशियल लेक्चर्स भी, मतलब शायद डेमो लेक्चर्स तो कुछ फ्री होंगे, तो यू जस्ट अटेंड दैट, यू जस्ट गो थ्रू द हिस्ट्री बिहाइंड मी, देन यू डिसाइड कि वेदर यू आर गोना गेट द राइट गाइड और नॉट। ठीक है, सो होप you will get the right path here, the right mindset, the right guide, your company will be very pleasureful. I'll be trying my best to go with the mathematics optional in this batch from 18th of July. Okay dear fellows, so and if you have any query regarding anything, you can leave your comment here. I will be definitely going through those comments and I'll be trying my best to reply you as well. बाकी तो ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग 18th जुलाई को। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय एंड गुड लक फ्रॉम माय साइड। ओके डियर।